हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अरसे एजुकेशन हब बानसूर। देखिए बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स। इज दैट क्लियर? आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड, थोड़ा न्यूमेरिकल है, दैट्स वाई मैं इसको ब्लैक बोर्ड पर लेके आई हूँ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि प्रज्ञा एक लड़की है, उसने 4 केमिकल कंपाउंड्स लिए हैं और उनको अलग अलग टेम्परेचर पर उसने उनकी सोल्यूबिलिटी चेक की है वाटर में। ओके, उसने जो वाटर लिया है दैट इज़ 100 ग्राम उसने पानी लिया है और उसने अलग अलग टेम्परेचर पे लाइक 293, 313 और 353 ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पे उसने उनकी सोल्यूबिलिटी देखी है। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपके पास पानी है एक बीकर में और उसमें आप साल्ट ऐड कर रहे हो, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो आपने देखा 4 चम्मच साल्ट के ऐड हो रही हैं, वो सोल्यूबिलिटी हो गई। उसके बाद साल्ट ने ऐड होना बंद कर दिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर देंगे, फिर और साल्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सोल्यूबिलिटी होती है किसी भी सोल्यूट पार्टिकल की, किसी भी सब्सटेंस की। ओके, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि प्रज्ञा ने 100 ग्राम जो वाटर है उसको प्रज्ञा ने उसमें 62 ग्राम किसका, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रज्ञा ने 100 ग्राम, ये टेबल में दिया हुआ है, ठीक है, कि 100 ग्राम जो वाटर है उसमें उसने 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया है 313 केल्विन पे। तो बताइए अगर उसको 50 ग्राम वाटर उसके पास है तो वो कितना पोटेशियम नाइट्रेट उसके अंदर ऐड कर सकती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो देखिए हम वहीं से ले रहे हैं जो हमारे टेबल में गिवन है कि मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का हम ऐड नहीं कर सकते किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रज्ञा है वो पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ वाटर में बना रही है, तो उसने 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया। अब हमें निकालना है कितने पे, 50 ग्राम पे, कि अगर हम मान लो 50 ग्राम पे निकालते, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है 50 से पहले आप निकाल लो कि भाई मान लो उसको 1 ग्राम में निकालना है, तो 1 ग्राम में निकालना तो क्या होगा, 62/100 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? भाई वो 100 ग्राम में 62 ग्राम डिजोल्व हो रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो आप 1 ग्राम में निकालोगे तो क्या हो गया, 62/100, और इसके बाद आपको कितने में निकालना है, 50 ग्राम में, ठीक है। तो आपने इसको सोल्व किया, 0 से 0 आपकी कैंसिल हो गई, 5 × 5, 5 × 2 = 10, और 2 से इसको कट करोगे तो आपके पास आ गया 31 ग्राम। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है, बहुत ही मतलब ईजी सा क्वेश्चन है कि भाई ये दिया हुआ है टेबल में ऑलरेडी कि 100 ग्राम जो वाटर है उसमें 62 ग्राम 313 केल्विन पे देखना आप, और किसी पे नहीं, क्योंकि उसने फिक्स कर दिया टेम्परेचर 313 केल्विन पे 62 ग्राम जो पोटेशियम नाइट्रेट का 100 ग्राम में ऐड करती है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, यानी अब उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट वो ऐड नहीं कर सकती। तो अगर आपके पास वाटर 50 ग्राम है, हाफ हो गया, तो सिंपल सी बात है इसके जो वॉल्यूम है वो भी हाफ हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो हमने सॉल्यूशन किया। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि मान लो उसने एक फिक्स टेम्परेचर पे, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये आपके पास एक बीकर है, फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें वाटर है, आपने बीकर को क्या कर रखा है, हीट कर रखा है। इज इट क्लियर बेटा? बीकर को आपने हीट कर रखा है, चलिए यहाँ पे नहीं है, हाँ इधर देखिए आप, ये बीकर है, ठीक है, इसमें आपने वाटर लिया और आप ये लगा लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसमें 7 स्पून साल्ट के ऐड कर दी और वो स्पून से ऐड हो गई पूरी तरह से, 7 चम्मच जो साल्ट के हैं वो ऐड हो गए, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब आप अगर इसको ठंडा करेंगे, मान लीजिए इसका टेम्परेचर 50 से आपने पहुंचा दिया 30, तो अब आपको क्या दिखाई देगा, सिंपल सी बात है, जैसे आप टेम्परेचर डाउन करेंगे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ साल्ट है वो इसका नीचे सेटल हो जाएगा बॉटम में, समझ में आया? यानी जैसे ही आप उसको कूलिंग करेंगे तो आपको क्रिस्टल वापस नजर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे सिर्फ आप 3 चम्मच साल्ट के ऐड कर पा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा के आपने 4 चम्मच एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो वो 4 चम्मच जैसे आप इसको ठंडा करोगे वो 4 चम्मच क्या होंगे, बॉटम में सेटल हो जाएंगे वापस से। तो सेम इन्होंने पूछा कि अगर वो क्रिस्टल्स को कूल करेगी और उसको मान लो 353 पे उन्होंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, उसको वापस देखने हैं वो क्रिस्टल्स, तो क्या होगा, वो ठंडा कर देगी, क्रिस्टल्स ऑब्टेनिंग ऑन कूलिंग, वो उस सब्सटेंस को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। नेक्स्ट है, इसने सॉल्युबिलिटी पूछी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें टेबल में देख के आपको आंसर देना है कि 293 पे अलग अलग सब्सटेंस कितना डिजोल्व हो रहा है, तो पोटेशियम नाइट्रेट है वो 32 ग्राम डिजोल्व हो रहा है, सोडियम क्लोराइड है वो 36 ग्राम डिजोल्व हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड है वो 35 ग्राम डिजोल्व हो रहा है, और अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम डिजोल्व हो रहा है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ राइट डाउन करना है। फोर्थ, इन्होंने पूछा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मान ली 30 डिग्री सेल्सियस पे आप इसमें 3 चम्मच साल्ट के ऐड कर पा रहे हो,
आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने कितना कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अब आपने 4 चम्मच और ऐड कर दी, यानी हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्युबिलिटी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जो साइन है ना बेटा, इट इज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं, सिंपल डेफिनेशंस आपको बताने हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बता दिया द सॉल्यूशन एट विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते एक फिक्स टेम्परेचर पे। उसके बाद है प्योर सब्सटेंस। सो प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंस विच हैविंग सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होता है, यानी जो सिमिलर टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कोलाइड मैंने बताया था, देखिए कोलाइड सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाइड क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। ये कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें जो पार्टिकल हैं वो कैसे होंगे, ट्रू सॉल्यूशन से तो कैसे होंगे, छोटे होंगे, और सस्पेंशन से, ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होंगे, सस्पेंशन से छोटे होंगे, क्लियर है। सस्पेंशन जो है ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलाइड की खास बात है दे स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, आपको बताया था मैंने, टैंडल इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, टैंडल इफेक्ट। टैंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, टैंडल इफेक्ट का मतलब ये है कि कोई सॉल्यूशन है आप उसमें से लाइट पास करवाते हो तो उसका पाथ आपको दूसरे साइड में भी विजिबल हो जाएगा, ये टैंडल इफेक्ट। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, सस्पेंशन ऐसा कुछ शो नहीं करते, सस्पेंशन के पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, इसमें एक सेपरेट लेयर बन जाती है, जबकि कोलाइडल में भी यू नो कि सेटलमेंट नहीं हो पाता, यानी जो आपको बताया था मैंने, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, अंडरस्टैंड और नॉट बेटा। तो आपको याद रखना है कि जो ये बीम ऑफ लाइट स्कैटर करता है, ये बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करता, यानी टैंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो आपको इसमें शॉर्ट में लिखना है, सारी आपको पॉइंट्स इसमें नहीं लिखने जो हमने वहाँ पे डिफरेंस किया था, क्योंकि एक ये शॉर्ट नोट है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।